पटना में कंचन पहलवान की स्मृति में विराट दंगल का उद्घाटन किया गया। बेतिया नगर परिषद की सभापति गरिमा देवी सिकारिया ने इस दंगल का शुभारंभ किया। इस दंगल में पूरे भारतवर्ष से आए कई पुरुष एवं महिला पहलवानों ने भाग लिया, जिसमें अयोध्या से बाबा केशवदास की टीम, यूपी से जितेंद्र पहलवान, दिल्ली से राकेश पहलवान, आजमगढ़ से सोनी पहलवान, दिल्ली से अनुपम पहलवान, पंजाब से राहुल पहलवान, नेपाल से नेपाली थापा, बेतिया छावनी से मंजित पहलवान इत्यादि ने भाग लिया। बेतिया से राजू कुमार। राजधानी पटना में अपराधियों ने दिन दहाड़े एक युवक को गोली मारकर पुलिस को फिर से चुनौती दे दिया है। दीघा थाना क्षेत्र के 96 नंबर गेट के पास सैफ नामक युवक को बाइक से आए अज्ञात अपराधियों ने गोली मारी, जिससे घटनास्थल पर ही सैफ की मौत हो गई। घटना को अंजाम देकर अपराधी भागने में सफल हो गए। इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और सड़क को जाम कर आगजनी करने लगे। पटना से रंजीत कुमार। दानापुर के सगुना मोड़ से बीजेपी विधायक आशा सिन्हा के नेतृत्व में मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। गौरतलब है कि स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र की 7वीं पुण्यतिथि के मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा पटना के बापू सभागार में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, जहां पर भाग लेने के लिए ये कार्यकर्ता शरीक होंगे। दानापुर से पंकज राज। पटना के आलमगंज थाना इलाके में मूर्ति विसर्जन को जा रहे एक गुट का उस इलाके में रहने वाले दूसरे गुट से किसी बात को लेकर झड़प हो गई। उसके बाद दूसरे गुट वालों ने मूर्ति पर पत्थर बरसाने लगा। फिर क्या था, वहां का पूरा माहौल रण क्षेत्र में बदल गया। दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी हुई, कई लोगों को चोटें भी लगी। घटना की सूचना मिलते ही पटना के डीएम रवि कुमार, एसएसपी गरिमा मलिक सहित कई थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन दोनों गुटों द्वारा पुलिस के सामने भी पत्थरबाजी होती रही। करीब 2 घंटे बाद देर रात मामला को पुलिस ने संभाला और आक्रोशित लोगों को शांत किया। पटना के डीएम रवि कुमार ने लोगों से सौहार्दपूर्ण माहौल बनाने की अपील भी किया है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और मामले में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई भी होगी। पटना से अनिल कुमार। मोकामा रेल थाने की आरपीएफ पोस्ट टीम ने टिकट दलाली के मामले में एक दलाल को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से सैकड़ों की संख्या में टिकट की बरामदगी हुई है। थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि मोकामा नगर परिषद के पारसी मोहल्ले के घर में गुप्त छापेमारी की गई, जहां से भारी मात्रा में टिकट की बरामदगी की गई है। इस मामले में पारसी मोहल्ला निवासी वीरू यादव को गिरफ्तार किया गया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि वीरू यादव ही पूरा नेटवर्क चलाता था और टिकट दलाली में यात्रियों से 300 रुपया अधिक लेकर टिकट बेचे जाते थे। बाढ़ से अनिल कुमार। भाकपा माओवादी के सक्रिय युवती सदस्य रीता बैगा उर्फ पूजा कुमारी गया पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया, जिसे पुष्प गुच्छा एवं सामग्री देकर स्वागत किया गया। सिटी एसपी ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पुलिस उप महानिरीक्षक टैंक मुख्यालय सीआरपीएफ, वरीय पुलिस अधीक्षक कमांडेंट 205 कोबड़ा, 159 बटालियन सीआरपीएफ का निरंतर प्रयास रहा है कि भटके लोगों को नक्सलियों के चंगुल से मुक्त कराया जाए और मुख्य धारा से जोड़ा जाए। नक्सली युवती ने खुलासा किया कि वह लालच में पड़कर नक्सलियों के चंगुल में फंस गई थी और संगठन के निचले दर्जे के सदस्यों का सभी तरह से शोषण किया जाता है। लेवी वसूलने के उद्देश्य से लोगों को नजायज इस्तेमाल भी किया जाता है। गया से अजय कुमार। लड़के लोग था तो लोग बोला कि चलिए पार्टी, तो हम चल दिए थे। बनाते थे डिप्टी उप्टी करते थे, पानी मिलाते थे, लख लुख करते थे, पैसा तो नहीं मिलता था बहुत, लेकिन इसको निकलने का मौका नहीं मिल रहा था और जैसे ही इसको फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिली है, ये आई है और इसने आकर के गया पुलिस के समर्पण आत्मसमर्पण किया है। इसमें जो है हमारा जो डीआईजी ऑफिस सीआरपीएफ का 205 कोबरा, 153 बटालियन, 159 बटालियन, एएसपी अभियान, इन लोगों का बड़ा विशेष रोल रहा है कि जो इन्होंने जितना मूवमेंट चलाया है उससे लड़कों को थोड़ा सा और लड़कियां जो हैं उनको कॉन्फिडेंस, जो उनके दस्ते में हैं उनको बड़ा कॉन्फिडेंस मिला है और हमको लगता है कि आने वाले समय में और वहाँ से लोग टूट करके और दौड़ करके भाग करके हमारे पास आएंगे और मुख्य धारा में शामिल होंगे।
राजधानी पटना के बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र स्थित बीडी पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाला एक पांचवी क्लास के छात्र ने अपने ही स्कूल के महिला टीचर पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। इस बाबत स्कूल के प्रिंसिपल माधवी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है, जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। आरोपी शिक्षिका को शोकॉज नोटिस भी भेजा गया है, जिसका जवाब आना भी बाकी है। प्रिंसिपल ने बताया कि उनके स्कूल के सभी क्लासरूम में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। पटना से अनिल कुमार। कल मैंने एक शोकॉज नोटिस सिर्फ पेपर के आधार पे एक शोकॉज नोटिस हमने कंसर्निंग टीचर को भेजा, इसलिए कि और मेरे पास कोई रिटन कंप्लेन नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो मैंने एक शोकॉज नोटिस और ये हमारा ये रहा शोकॉज नोटिस, कल हमने रिसीव करवाया है उनसे भिजवा के, ये हमारा शोकॉज नोटिस रहा। उसमें हमने लिखा है सीधे कि पेपर में जो कुछ छपा है और साइंस टीचर लिखा हुआ है, तो जिस बच्चे का नाम मैंने देखा उसका पता लगा कि उस सेक्शन में जो टीचर साइंस टीचर थी उनको मैंने शोकॉज नोटिस भेज दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार को पूर्वी गांधी मैदान स्थित नवनिर्मित बिहार खादी मॉल का उद्घाटन किया। खादी के नाम पर खोले जाने वाला यह देश का सबसे पहला बड़ा मॉल है। इसमें राज्य की तमाम खादी संस्थाओं द्वारा उत्पादित खादी वस्त्रों की बिक्री होगी। सभी खादी वस्त्रों पर 20% की छूट भी दी जाएगी। बिहार राज्य खादी बोर्ड द्वारा निर्मित इस मॉल के उद्घाटन अवसर की अध्यक्षता उद्योग मंत्री श्याम रजक ने किया। पटना से रंजित कुमार। आज के दिन ये खादी मॉल का उद्घाटन हुआ और इस उद्घाटन करने का सौभाग्य हम लोगों को मिला माननीय मुख्यमंत्री के हाथों से। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विजन है कि बिहार को हम देश में सर्वोपरि करें, उसी विजन के अंतर्गत था कि खादी मॉल भारत का पहला और सबसे बड़ा निर्माण करें, ताकि देश भर के लोग ये जाने कि बिहार में जो कारीगर है, बिहार के कर्मकार है, वो क्या क्या चीज बनाते हैं। पहले खादी को किस रूप में, किस्सा के रूप में लोग देखते थे, आज जब यहाँ आएंगे उसी खादी को जो बापू का खादी रहा है, उसी खादी को बापू के सोच रहा है उसके रूप में, और यहाँ पर आधुनिकता के साथ जोड़ कर के और यहाँ पर खादी ग्राम उद्योग के भी जो सामग्री है, खाद सामग्री, उन चीजों का भी यहाँ पर